जी ये बिल्कुल सच है, ये दिस इज ट्रुथ दैट बीजेपी इज ट्राइंग टू जस्ट डिले इलेक्शंस इन द स्टेट बिकॉज ऑफ देयर ओन पॉलिटिकल बेनिफिट्स. They are acting as East India Company, as Roy's in the state, because few people sitting in a secretariat cannot decide the fate of more than 1 crore people. इनको ये चीज़ समझनी चाहिए है कि कश्मीरी आज की डेट में स्ट्रगल कर रहा है, जम्मू का बिजनेसमैन स्ट्रगल कर रहा है, लद्दाख का टूरिज्म स्ट्रगल कर रहा है, और विदाउट प्रॉपर इलेक्टेड मेम्बर्स उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, they are relying on these few bureaucrats in the secretariat. They cannot decide everything for these people. People need their own elective members, their own representatives from their own native places. Log gareeb hain, log kahan se pahunchenge? Aap mujhe bata, Ladakh ka aadmi kahan se state mein pahunchega, Srinagar pahunchega, aur Jammu ka kahan Srinagar pahunchega? Agar inne ye system rakha hai ki election nahi karane hain, to mere khayal se yahan pe din ba din barbadi ho rahi hai. और ये चाहते हैं, इट्स अ डिलिबरेट अटेम्प्ट ऑफ द बीजेपी कि स्टेट में हालात ख़राब हो जाएं. दे वांटेड टू कन्वर्ट स्टेट इनटू अफगानिस्तान सो दैट दे कैन गेन पॉलिटिकल माइलेज इन द मेनलैंड इन रेस्ट ऑफ द कंट्री. सो मेरे ख्याल से उनको इलेक्शन आज भी कराने हैं, कल भी कराने हैं. दे शुड एक्ट फास्ट ऑन दिस बिफोर उन लोगों को मौका मिले कि जो कि हड़ताल की कॉल पहले भी देते थे, और वो हड़तालों का दौर दोबारा शुरू करें जिससे हमारा यूथ इन्फ्लुएंस होता है, हमारा बिजनेसमैन इफेक्ट होता है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब होती हैं, हमारी बच्चों की एजुकेशन ख़राब होती हैं. और इस सब को मद्देनज़र रख के बीजेपी को ये सोचना चाहिए, और गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट को बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए, इलेक्शन स्टेट में करा देना चाहिए.